जैसे आपने कहा कि लव मैरिज में ऐसा होता है कि लड़की शादी हो जाती है, मेरे हिसाब से ये हमारी इंडियन में ही सोच रही है कि हम चाहेंगे कि हम महिलाओं को हम पावरफुल फिगर के रूप में देखें, हम चाहते हैं कि महिलाओं को हम अपना अथॉरिटी फिगर के रूप में देखें। ये शायद हमारा सोच ही ऐसा रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जो मैरिज होता है वो गाड़ी के पहियों के समान है, अगर एक पहिया निकल जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, अगर दोनों चलेंगे तभी गाड़ी चलेगा। तो दोनों के चलने के लिए दोनों की मेंटेलिटी, दोनों का कॉम्पैटिबिलिटी लेवल सेम रहना चाहिए। वो कब होगा? जब दो लोग अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, वो अरेंजमेंट कैसे आ जाएगा? अगर तो आप अगर बोल देंगे कि हाँ ये लड़का है, ये ऐसा है, वो इतना पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है, दोनों की शादी करेंगे। लेकिन लव मैरिज में क्या होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, वो जानते हैं कि उसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि वो शादी करेंगे, शादी करने के लायक है, दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो वो शादी करेंगे। अगर उनको नहीं लगता नहीं ठीक है तो दे वोंट गेट मैरिड, वो शादी करेंगे। अगर उनके जो माँ बाप अगर इस बात को नहीं मानते तो फिर क्या होगा? अगर वो एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं तो, और उनकी जो फैमिली